हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ये साइंस टू का हमारा फर्स्ट टॉपिक है। तो फर्स्ट हम इस टॉपिक में जो भी हमारा 25% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो इस टॉपिक में हमारा क्या क्या रिड्यूस हुआ है पहले वो हम लोग देख के लेते हैं, फिर टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट अब नीचे आएंगे, एन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट दिया हुआ है, ये पार्ट जो है वो हमारा कट हो गया है, इसको हमको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, फिर पेज नंबर 76 पे तुम ऊपर की लाइन में जो ऑब्जर्व करके अपने दिया हुआ है, तो ऑब्जर्व वाला पार्ट हमको नहीं करना है। नेक्स्ट आते हैं सेम पेज पे, ऑब्जर्व एंड डिस्कस, ये भी हमको नहीं करना है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, यहाँ पे सबसे नीचे यूज़ योर ब्रेन पावर करके दिया हुआ है, ये हमको पार्ट नहीं करना है, ये हमारे सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है इस समय के लिए। फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ट्राई दिस करके दिया हुआ है, ये पार्ट को नहीं करना है। अभी नेक्स्ट पेज पे हमको ऑब्जर्व एंड वेरीफाई दिया हुआ है, तो ये डिफरेंशिएट टोटली कैंसिल कर दिया गया है। और नेक्स्ट पेज पे है जो लास्ट है हमारा, यूज़ ICT करके, ये पार्ट कट कर दिया। तो इस टॉपिक में इतना ही पार्ट हमारा कट हुआ। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पे हमको टोटल 3 टॉपिक्स के बारे में देखना है, किंगडम प्लांटिया, सब किंगडम जाइनोस्पर्म एंड सब किंगडम एंजियोस्पर्म। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, हाउ हैव लिविंग ऑर्गेनिजम्स बीन क्लासिफाई। अभी हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाई कैसे किया जाता है, तो इसके बारे में हम लोगों ने स्टैंडर्ड 8 में सीखा होगा। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगिया ऑफ द 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज बाय रॉबर्ट विटेकर इन 1969 फॉर द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी स्टैंडर्ड 8 में हमने रॉबर्ट विटेकर के 5 क्लासिकम सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हमको चार्ट में लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पे बताया गया है। सेम चार्ट हमको 9 स्टैंडर्ड 8 में भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासीफाई इंटू 2 ग्रुप्स, फर्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक एंड सेकेंड वन इज़ यूकैरियोटिक। अभी प्रोकैरियोटिक्स में एग्जाम्पल जो लिया है वो मोनेरा का लिया हुआ है, उसमें ओनली वन एग्जांपल है मोनेरा। अभी यू कैरियोटिक जो होते हैं वो फर्दर क्लासिफाई इनटू 2 ग्रुप्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स जो भी बॉडी है वो अगर वन कोशिका से बनी हुई है, जिस प्राणियों का भी शरीर एक कोशिका से बनता है उसे हम यूनिसेलुलर बोलते हैं, और जिसका बॉडी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे मल्टीसेलुलर बोलते हैं। तो यूनिसेलुलर का जो एग्जांपल है वो है प्रोटिस्टा, एंड मल्टीसेलुलर आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। अब विदाउट सेल वॉल में एग्जांपल लिया है एनिमेलिया, मींस इसमें जितने भी एनिमल्स आते हैं वो सब इसमें ग्रुप में आते हैं, उनका उनके अंदर विदाउट सेल वॉल होता है। अब विद सेल वॉल में भी 2 ग्रुप बने हुए हैं, एक ऑटोट्रॉप्स है और एक हेटरोट्रॉप्स है। अभी ऑटोट्रॉप्स मीन्स प्लांटिया, जितने भी प्लांट्स है वो सब ऑटोट्रॉप्स में आते हैं, मीन्स ये लोग अपना भोजन खुद से बनाते हैं, दूसरों पे डिपेंड नहीं होते। लेकिन हेटरोट्रॉप जो होते हैं वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, ये अपना भोजन खुद से नहीं बनाते। अभी इसका एग्जांपल लिया फंगी, जिसे हम फफूदी बोलते हैं, वो दूसरों से अपना भोजन ग्रहण करता है। किंगडम प्लांटिया क्या है देखते हैं। द ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैविंग यूकैरियोटिक सेल विथ सेल वॉल इज द ग्रुप ऑफ प्लांट्स। अभी जो ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप है उसके अंदर क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल होता है और उनके अंदर सेल वॉल होते हैं। प्लांट्स हैव बिकम ऑटोट्रॉफिक एज दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेटिक विथ हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। अभी जितने भी प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफिक क्यों होते हैं, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि उनके अंदर एक क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल मीन्स हरित लवक, उस हरित लवक के कारण ये लोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं।
लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम प्लांटी आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी जितने भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए जो मेन फूड का जो सोर्स होता है वो किंगडम प्लांटिया होता है, क्योंकि यही लोग अपना भोजन बनाते हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की ये आवश्यकता है, द प्रेजेंस और ऑब्सेंस ऑफ ऑर्गेन्स इज द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। मीन्स जो फर्स्ट क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का प्लांट्स का, वो क्या है? प्रेजेंस और ऑब्सेंस ऑफ ऑर्गेन्स, जो भी ऑर्गेन्स है वो प्रेजेंट है या ऑब्सेंट है। द प्रेजेंस और ऑब्सेंस ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड इज द नेक्स्ट कंसिडरेशन फॉर क्लासिफिकेशन। अभी दूसरा जो क्लासिफिकेशन का जो मोड है उसमें क्या है कि जो कंडक्शन टिश्यू है फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड वो प्रेजेंट है कि अब्सेंट है। डू द प्लांट्स बियर सीड्स? इफ दे डू देन वेदर द सीड्स आर इनक्लोज इन अ फ्रूट और नॉट इज अ इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन। अभी नेक्स्ट वन क्या है कि उस वो प्लांट सीड्स बियर करता है क्या, या है तो सीड्स इनक्लोज है फ्रूट के अंदर या नहीं, ये तीसरा क्लासिफिकेशन का मोड है। फाइनली प्लांट्स आर ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कोटिलेडॉन्स इन सीड्स। अभी जो प्लांट्स है वो ग्रुप में है कि उनके अंदर जो कोटिलेडॉन्स है उसके ऊपर। एट द हायर लेवल ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंसिडरेशन फॉर द क्लासिफिकेशन। अभी जितने भी हायर लेवल के प्लांट्स हैं उसके अंदर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है क्लासिफिकेशन के लिए। एग्जाम्पल डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ फ्लावर फ्रूट्स एंड सीड्स। अभी जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे उनके अंदर फ्लावर फ्रूट और सीड्स प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इसके आधार पर उनको क्लासीफाई किया जाता है। प्लांट्स आर क्लासीफाइड एज क्रिप्टोग्राम्स एंड फिनेरोग्राम्स। अभी यहाँ पे क्रिप्टोग्राम्स मीन्स जो होता है जिसमें सीड्स नहीं आते वो क्रिप्टोग्राम्स हो गया, और फेनोरोग्राम्स मीन्स जिसमें सीड्स आते हैं। ऐसे दो पार्ट्स में उनको डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वेदर सीड्स आर इनक्लोज विद इन अ फ्रूट और नॉट। इसके बाद आता है अगर सीड है तो वो सीड इनक्लोज है फ्रूट के अंदर या नहीं है, तो उसके हिसाब से फेनोग्राम्स आर क्लासीफाइड एज जाइनोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। अभी एंजियोस्पर्म जाइनोस्पर्म में क्या होता है, जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट के अंदर इनक्लोज नहीं होते, वो आउट बाहर ही होते हैं, और एंजियोस्पर्म में क्या होता है फ्रूट जो होता है फ्रूट के अंदर सीड्स जो होता है फ्रूट के अंदर इनक्लोज होता है। एंजियोस्पर्म्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज मोनोकोट्स और डायकोट्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कोटिलेडॉन्स इन द सीड्स। अभी सीड्स के अंदर दो बीजपत्री है या सिंगल बीजपत्री है, उसके आधार उनको मोनो मीन्स सिंगल एंड डायकोट्स मीन दो, उसके आधार उनको क्लासीफाई किया गया है। अभी हम क्रिप्टोगैम्स में देखते हैं डिवीजन फर्स्ट थाइलोफाइटा। दिस प्लांट्स ग्रो मेनली इन वाटर। दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक पार्ट्स लाइक रूट स्टीम लीव्स फ्लावर्स बट आर एट्रोट्रॉफिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इट इज़ कॉल्ड एज एल्गी। ये जितने भी प्लांट्स होते हैं वो पानी में ग्रो करते हैं। अभी इस प्लांट के अंदर स्पेसिफिक पार्ट्स नहीं होते जैसे कि जड़ हो गया, स्टीम तना हो गया, पत्तियां हो गई और फूल्स, लेकिन तो भी ये अपना भोजन खुद से बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि इन द हरित लवक पाया जाता है जिससे अपना खाना खुद से बनाते हैं। इसे हम अल्गी कहते हैं। अल्गी सो ग्रेट डाइवर्सिटी, दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अभी ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, एंड माइक्रोस्कोपिक और लार्ज, ये छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अल्गी आर स्पायरोगायरा। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो है स्पायरोगायरा, उल्वा एक्सेट्रा। सम ऑफ दिस आर फाउंड इन फ्रेश वाटर वाइल्ड सम आर फाउंड इन सलीन वाटर। अभी इसमें से कुछ हमें फ्रेश वाटर में मिलते हैं, कुछ सलीन वाटर में मिलते हैं। दिस प्लांट यूजली हैव अ सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक बॉडी। इनकी जो बॉडी होती है प्लांट्स की वो सॉफ्ट होती है या फाइबर लाइक होती है। वेरियस टाइप ऑफ फंगीज लाइक ईस्ट एंड मॉल्ड्स विच डू नॉट हैव अ क्लोरोफिल आर आल्सो इंक्लूड इन दिस ग्रुप। अभी ईस्ट नेक्स्ट पार्ट है हमारा ब्रायोफाइटा। दिस ग्रुप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दे ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल बट नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। अभी इस ग्रुप के जितने भी प्लांट्स हैं वो मॉइस्ट सॉइल में होते हैं, मीन्स गीली जमीन में होते हैं, और उनके रिप्रोडक्शन के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। दिस प्लांट्स आर थैलॉइड
मल्टी सेलुलर एंड एट्रोट्रॉफिक। अभी ये प्लांट जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशीय होते हैं और एट्रोट्रॉफिक होते हैं, मीन्स अपना भोजन खुद से बनाते हैं। दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर फॉर्मेशन से होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज फ्लैट, ये पतले होते हैं, रिबिन लाइक लॉन्ग, रिबिन की तरह लंबे होते हैं, विदाउट ट्रू रूट्स, अब इनके इधर असली जड़ें नहीं होती, स्टीम एंड लीव्स, पत्तियाँ भी नहीं होती। इंस्टेड दे हैव अ स्टीम लाइक और लीफ लाइक पार्ट्स एंड रूट लाइक रिजॉर्ट्स, इनके इनके बॉडी में स्टीम लाइक लीफ लाइक पार्ट्स और रूट्स लाइक रिजॉर्ट्स पाए जाते हैं। दे डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक टिश्यूज फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, अभी इनके बॉडी में एक सेपरेट कोई टिश्यू नहीं होता पानी एंड फूड कलेक्ट करने के लिए। एग्जाम्पल आर मॉस, फ्यूनेरिया जिसे हम बोलते हैं, माइटोजोनिया रिचिया, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइट्स। अब यहाँ भी इनका डायग्राम देखते हैं हम, और यहाँ पे हमको रिजाइड्स फ्यूनेरिया का डायग्राम दिया हुआ है। अभी इसके पार्ट्स बताए हैं, जो जड़स है उसको हम रिजॉर्ट्स बोलते हैं, लीफ लाइक पार्ट्स है यहाँ पे पत्तियों की तरह दिखाई दे रहा है, और एक कैप्सूल्स है टॉप पोजिशन पे और बीच में स्टॉल्क है। इसका भी डायग्राम एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों डायग्रामों को अच्छे से प्रैक्टिस करके लेना है। अभी नेक्स्ट डिवीज़न है, थर्ड डिवीज़न है पटेरिडोफाइटा। यू मे हैव सीन फर्म्स अमॉन्ग द ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन द गार्डन, अभी आपने गार्डन में फर्म्स के पौधे देखे होंगे। प्लांट्स फ्रॉम दिस ग्रुप हैव वेल डेवलप्ड रूट, अभी इस ग्रुप में जितने भी प्लांट आते हैं उनमें वेल डेवलप्ड रूट होता है, स्टीम होता है, लीव्स एंड सेपरेट टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, अभी इनके रूट्स स्टीम एंड लीव्स वेल डेवलप होते हैं और सेपरेट टिश्यू होता है फूड एंड वाटर कलेक्ट करने के लिए। बट दे डू नॉट बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, लेकिन ये बीज और लेकिन इनके अंदर फ्लावर्स और फ्रूट नहीं आते हैं। दे रिप्रोड्यूस विद हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्म अलॉन्ग विद बैक ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ देयर लीव्स, अभी इनका जो रिप्रोडक्शन रहा वो स्पोर फॉर्मेशन से होता है। एग्जाम्पल्स आर फर्म लाइक नेफ्रोलेफिस पटेरिस, दिस इज आर द एग्जाम्पल ऑफ पटेरिडोफाइटा। अब इसमें जो सबसे मेन है वो फर्न है, अभी फर्न का यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, इसके अंदर रूट्स दिख रहे होंगे और ऊपर के पार्ट्स में हमको लीफी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, तो इसका भी डायग्राम एग्जाम में पूछा जाता है। दिस प्लांट्स रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय स्पोर फॉर्मेशन एंड सेक्सुअली बाय जायगोट फॉर्मेशन, इनका जो रिप्रोडक्शन होता है असेक्सुअली स्पोर फॉर्मेशन से होता है और सेक्सुअली जायगोट फॉर्मेशन से। दे हैव अ वेल डेवलप्ड कंडक्शन सिस्टम, अब इनके अंदर वेल डेवलप्ड कंडक्शन टिश्यू सिस्टम होते हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट है हमारा फेनेरोग्राम्स। फेनेरोग्राम मीन्स जो सीड्स डेवलप करते हैं, मीन्स के अंदर सीड्स आते हैं। प्लांट्स विच हैव अ स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर द रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस सीड्स आर कॉल्ड एज अ फेनेरोग्राम्स, अभी इनके अंदर सीड्स आते हैं। इन दिस प्लांट्स आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन सीड्स आर फॉर्म विथ कंटेन द एम्ब्रियो एंड स्टोर्ड फूड, अभी सीड्स के अंदर क्या होता है एम्ब्रियो होता है और उसके अंदर फूड को स्टोर करते हैं। ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ सीड द स्टोर्ड फूड इज यूज फॉर इनर्शियल ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो, जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो फूड जो होता है स्टोर्ड फूड वो उसके एम्ब्रियो को ग्रोथ करने में यूज़ होता है। डिपेंडिंग अपॉन वेदर सीड्स आर इनक्लोज इन अ फ्रूट और नॉट, फेनोग्राम्स आर क्लासिफाइड इनटू जाइनोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, तो फ्रूट इनक्लोज है यानी इसके आधार पर उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे हमने पहले ही देखा था जाइनोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो फर्स्ट यहाँ पे हम जाइनोस्पर्म देखते हैं, डिवीज़न फर्स्ट। ऑब्जर्व ऑल गार्डन प्लांट्स लाइक साइकस, क्रिसमस ट्री, हिबिस्कस, लिली एक्सेट्रा एंड कंपेयर देम, नोट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस अमॉन्ग देम, विच डिफरेंसेज डिड यू नोटिस बिटवीन जाइनोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, अभी हम जाइनोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या डिफरेंस नोटिस करते हैं। तो दोनों में ये मेन डिफरेंस होता है कि इनके जो सीड्स होते हैं, अभी एंजियोस्पर्म में क्या होता है जो सीड्स होता है वो फ्रूट के अंदर होता है और इनक्लोज होता है, और जाइनोस्पर्म में क्या होता है जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर नहीं होता, वो बाहर ही होता है। जाइनोस्पर्म आर मोस्टली एवरग्रीन पेरेनियल एंड वुडी, अभी जाइनोस्पर्म जो होते हैं हमेशा हरा भरे रहते हैं और वो हमें लकड़ी की तरह होते हैं। दिस स्टीम्स आर विदाउट ब्रांचेज, उनके जो स्टीम्स होते हैं उनमें ब्रांचेस नहीं होते हैं।
द लीव्स फ्रॉम अ क्रॉन। अब इनके जो पत्तियाँ होती है वो क्रॉन का रूप लेती हैं। अभी जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, साइकस में एक भी ब्रांचेज नहीं है स्टीम में, और जो उनकी पत्तियाँ हैं वो एक क्रॉन का रूप ली है। दिस प्लांट्स बियर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन अ डिफरेंट स्पोरोफाइल्स ऑफ द सेम प्लांट। सीड्स ऑफ दिस प्लांट डू नॉट हैव अ नेचुरल कवरिंग। अभी इनके जो सीड्स होते हैं ऊपर कोई नेचुरल कवरिंग नहीं होता। दिस प्लांट डू नॉट फॉर्म फ्रूट्स। अभी इनमें फल भी नहीं आते, एंड देयर फॉर दिस कॉल्ड एज अ जाइनोस्पर्म। मीन्स जाइनो मीन्स नेक्ड सीड्स, जो सीड्स खुले हो। एग्जाम्पल साइकस, पीसिया, क्रिसमस ट्री, थुंजा एंड पीनस, देवदार। नेक्स्ट पार्ट में हम एंजियोस्पर्म देखते हैं। कैन बी डिवाइडेड इन टू इक्वल हॉलवेज और डाइकोटिलेडॉन्स और कॉल्ड एज अ डाइकोटिलेडॉन प्लांट्स। अभी प्लांट्स जिसके सीड दो पार्ट्स में बटे होते हैं उसको हम डाइकोटिलेडॉन्स बोलते हैं। एंड हुज सीड कैन बी डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड एज अ मोनोकोटिलेडॉन, और जिसमें सीड्स इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड उसे हम मोनोकोटिलेडॉन बोलते हैं। अभी इस टॉपिक में हमारा इतना ही है, ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। थैंक यू।